हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आप ही के चैनल सुचिता टेलर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज कटोरी ब्लाउज कटिंग करना सिखाएंगे बिल्कुल इजी मेथड से, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले फ्रेंड्स दो लेयर में कर देंगे। आपके पास कपड़ा है तो कपड़ा को दो लेयर में कर दीजिए। इस तरह से दो लेयर में कर देंगे और इसमें हम 32 इंच के हिसाब से, 32 इंच चेस्ट के हिसाब से कटोरी ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसकी लंबाई देख लेंगे। इसकी लंबाई हमें रखनी है 13 इंच की लंबी ब्लाउज रखनी है। उसी हिसाब से कटिंग समझा रहे हैं आपको। जितना भी लंबा ब्लाउज रखनी है सबसे पहले लंबाई नाप लीजिए और उसमें 2 इंच और ऐड करेंगे हम तुरपाई और सिलाई मार्जिन के लिए। टोटल लेंथ हो गया हमारा 15 इंच। 15 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखिए 15 इंच पे निशान लगा देंगे और इसमें हम शोल्डर देंगे। सबसे पहले पीछे पल्ले कटिंग करेंगे, फिर आगे की प्रोसेस आपको समझाएंगे। सबसे पहले शोल्डर हम ले लेंगे यहाँ 5 इंच का। इस तरह से देखिए ऊपर का शोल्डर हम लेंगे 5 इंच का। 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। यहाँ आर्म होल लेंगे हम 6 इंच का। इस तरह से ये देखिए 6 इंच का लगाएंगे निशान और इस तरह से ऊपर तक इसको मिला देंगे। स्ट्रेट लाइन खींच देनी है 6 इंच का। अब देखिए 32 इंच के हिसाब से हम सीने की ब्लाउज तैयार कर रहे हैं, तो 8 चौके 32 यानी 4 फोल्ड में कट रहा है। पहले पीछे के पल्ले निकाल रहे हैं, फिर आगे का पल्ले की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हम 8 चौके 32 यानी 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखिए 8 पे निशान लगा देंगे और ये निशान को हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। इसमें हम 2 इंच और ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। इस तरह से देखिए 2 इंच ऐड कर दिए हैं। ये निशान को मिला देंगे। टोटल ये हो गया 10 इंच यानी कि 8 इंच हमारा ये हो गया सीने का और 2 इंच ये हमारा मार्जिन हो गया। यहाँ भी 8 इंच लेंगे। इस तरह से देखिए 8 इंच लेंगे और 2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। इस तरह से निशान लगा देंगे, इस तरह से मिला देंगे। सबसे इजी तरीका आपको समझाएंगे, ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए ये निशान को हम मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मिला देंगे फ्रेंड्स। 2.25 इंच का हम ले रहे हैं गले ऊपर, 2.25 इंच ले रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स पीछे का गला हम लंबाई रख रहे हैं 9 इंच का। इस तरह से आप जितना लंबा ब्लाउज की गला रखना चाह रहे हैं अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। ये देखिए इस तरह से हम लाइन को खींच देंगे। इस तरह से ऊपर में निशान लगाए 2.25 पे, यहाँ भी लगा देंगे। इस तरह से आप जिस तरह के इसमें शेप देना चाहें, गले की शेप अपने अकॉर्डिंग दिया जाता है फ्रेंड्स, आपको जैसा पसंद है। हम इसमें देखिए गुलाई का शेप दे रहे हैं। इस तरह से देखिए जिस तरह का शेप देना चाहते हैं आप दे दीजिए। इस तरह से देखिए पीछे के गले का शेप हो गया। अब यहाँ देखिए आर्म होल का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। इस तरह से आर्म होल का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे आर्म होल का निशान। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स निशान लगा दिए हैं। पीछे का पल्ला का आर्म होल यहाँ 1.5 इंच लिया जाता है और आगे के पल्ले 0.5 इंच कम लिया जाता है। इस तरह से ले लिए हैं। अब देखिए पीछे का टक्स के लिए हम यहाँ 8 इंच का है लगा रखे हैं, तो इसको हम आधा कर देंगे। सबसे ईजी मेथड आपको समझा रहे हैं ताकि आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आधा एक कर दिए हैं और इसमें देखिए टक्स के लिए निशान लगा देंगे। इसमें 1.5 इंच हमारी तुरपाई में चली जाएगी ऊपर, तो ऊपर टोटल हमारा देखिए 4.5 पे इस तरह से निशान लगाए हैं। तो ये देखिए हमारा 1.5 इंच ये चला जाएगा तुरपाई में और ये हमारा 3 इंच का हमारा टक्स बन के तैयार होगा। ये हमारा टक्स रह जाएगा, ये हमारा तुरपाई में चली जाएगी। इस तरह से देखिए थोड़ा सा तिरछा कर देंगे ताकि अच्छे से फिटिंग आए पीछे का पल्ले में। ये देखिए इस तरह से कर देंगे। ये देखिए हमारे पीछे का टक्स हो गया फ्रेंड्स। पीछे का प्रोसेस पूरा हो गया है। सबसे पहले गले की इस तरह से कटिंग कर देंगे, आर्म होल की कटिंग कर देंगे और एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे, फिर आगे का प्रोसेस आपको समझाएंगे। फ्रेंड्स पीछे का पल्ले की कटिंग हो गई है, अब आगे की पल्ले की कटिंग करेंगे, तो ध्यान से समझिए करेंगे। और ये जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ कपड़ा उसी पे हमें आगे की पल्ले कटिंग करनी है। तो उसके लिए हम देखिए इस तरह से रख देंगे, इस तरह से एग्जैक्ट रख देनी है। यहाँ देखिए हम 0.5 इंच हम लेंगे कचपट्टी बटन पट्टी के लिए। ये देखिए हमारा 0.5 इंच है कचपट्टी बटन पट्टी के लिए लेंगे। आगे के पल्ले में कचपट्टी बटन पट्टी लगती है, इसके लिए हम देखिए 0.5 इंच ये ले लिए हैं। बस देखिए ये 0.5 इंच हमारा हो गया कचपट्टी बटन पट्टी के लिए। इस तरह से उस तरह से इसको इस तरह से निशान लगा देंगे। एग्जैक्ट कुछ चढ़ना नहीं है, ऊपर जिस तरह से है उस तरह से हम निशान लगा देंगे। और यहाँ आर्म होल में भी कुछ नहीं करना है, जितना है उतना हम इस तरह से निशान लगा देंगे।
ये हम लगा दिए, ये देखिए शोल्डर का लग गया है। आगे का कचपट्टी बटन पट्टी के लिए हम आधा इंच रख दिए हैं। अरमोल में निशान हो गया, शोल्डर का निशान हो गया। एक इंच एक्स्ट्रा ले लिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक इंच एक्स्ट्रा ले लिए। अब इसको हटा देंगे इस तरह से, देखिए इसको हटा देंगे, इसको साइड कर देंगे। और जिस तरह से ये शोल्डर वाला पार्ट है इसको एक्स्ट्रा है, इसको काट के हटा देंगे। सबसे इजी मेथड है और कम कपड़े में आपके ब्लाउज की कटिंग हो जाएगी। इस तरह से जो बचा हुआ कपड़ा रहता है उसके ऊपर रख के आप सबसे पहले आगे की पल्ले की पूरी शेप दे दीजिए। ये देखिए इस तरह से निकाल दिए हैं। अब इसमें देखिए कटोरी बनाएंगे, गले बनाएंगे, बिल्कुल इजी मेथड से आपको समझाएंगे। 2.25 इंच पीछे का पल्ले में लिए थे तो 2.25 इंच यहाँ भी लेंगे। इस तरह से आधा इंच छोड़ देनी है क्योंकि अब इसमें हम कचपट्टी बटन पट्टी बनाएंगे। इसके लिए 2.25 इंच पे इस तरह से देखिए निशान लगा दिए हैं। आगे के गले आपको जितना पसंद है अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। यहाँ देखिए हम 6 इंच का गला बना रहे हैं, इस तरह एग्जैक्ट मिला देंगे क्योंकि जितना यहाँ है उतना यहाँ भी लिए हैं। और इसमें हम गुलाई का शेप दे रहे हैं, आपका अगर भी शेप पसंद है, यू शेप पसंद है, जैसा भी पसंद है आपको उस तरह के आप शेप दे दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स हम गले का निशान लगा दिए हैं। फ्रेंड्स हम यहाँ 1 से 1.5 इंच हम तुरपाई के लिए देंगे। ये देखिए 1 से 1.5 इंच हमारा तुरपाई हो गया। और यहाँ हम 2.5 इंच का बेल्ट निकालेंगे। ये देखिए 2.5 इंच का बेल्ट निकालेंगे तो 2.5 इंच पे यहाँ हम निशान लगा देंगे। और यहाँ देखिए इस यहाँ देखिए टोटल हो गया 3.5 इंच, क्योंकि हम यहाँ 1 से 1.5 इंच हम तुरपाई के लिए छोड़ रहे हैं और 2.5 इंच यहाँ हम ये बेल्ट के लिए छोड़ रहे हैं। तो हमारा ये कितना हो गया, नीचे से ऊपर हो गया 3.5 इंच। तो यहाँ क्या करनी है, थोड़ी दूर में जाते हुए यहाँ 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए 3 इंच पे लगाएंगे क्योंकि यहाँ 3 से 4 इंच के दूरी पे यहाँ हम आधा इंच डाउन कर देंगे, क्योंकि ये जो बेल्ट है वो तिरछा जाएगा तो हमारा ब्लाउज बहुत बढ़िया बन के तैयार होगा। यहाँ 3 इंच कर दिए हैं, यहाँ भी हम 3 इंच करेंगे। इस तरह से इसको हम तिरछा निशान लगा देंगे। इस तरह से आप बेल्ट की कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज कभी भी खराब नहीं होगा और बहुत ही सुंदर बन के आपका ब्लाउज तैयार होगा। इस तरह से देखिए इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखिए बेल्ट हो गया, ये हो गया गला। सबसे पहले गले की कटिंग कर देंगे, बेल्ट की कटिंग कर देंगे, फिर आपको हम कटोरी बनाना समझाएंगे, तो ध्यान से समझिए। देखिए फ्रेंड्स गले की और बेल्ट की कटिंग कर दिए हैं, अब इसमें हम कटोरी बनाना समझाएंगे, ध्यान से समझिए, बिल्कुल स्किप मत करिए फ्रेंड्स। यहाँ देखिए सबसे पहले 1/2 इंच की गहराई देंगे क्योंकि आगे का पल्ला है तो इसमें झोल नहीं आया, इसके लिए हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। ये 1/2 इंच की और गहराई कर देंगे इस तरह से और इसकी कटिंग कर देंगे। आगे के पल्ले में कभी भी ब्लाउज कटिंग करिए या सूट कटिंग करिए तो 1/2 इंच की जरूर गहराई दीजिए। इससे क्या होता है, आर्म होल में झोल नहीं होती है और इसमें सिलबटे नहीं आती है और बहुत बढ़िया बन जाता है। ये देखिए 1/2 इंच का दे दिए हैं गहराई। अब यहाँ देखिए कटोरी बनाएंगे, ये जो आगे के गला दे रखे हैं तो उसको 1 इंच ऊपर लेना है। इस तरह देखिए 1 इंच ऊपर ले लेंगे ये गले में। यहाँ देखिए 1 इंच ऊपर ले लिए हैं। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स हम 2 इंच का लेंगे, इसमें आर्म होल में 2 इंच का दूरी लेंगे और यहाँ 1 इंच लेंगे, 2 इंच का दूरी लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ 32 इंच का सीना है, 8 × 32 यानी 32 इंच का सीना है। इसके बाद के 30 यानी 6 बार में हमें ले डिवाइड करनी है, 5 × 30 यानी कि हमें 5.5 इंच जब यहाँ लेंगे तो हमारा ये 6 बार होगा। तो इसके लिए हम 5.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिए। ये देखिए 5.5 इंच पे निशान लगा दिए हैं क्योंकि हमें 32 इंच का सीने का कटोरी ब्लाउज तैयार करनी है। यहाँ देखिए 5.5 इंच पे निशान लगा दिए हैं और 1 इंच पे ये जो दूरी दिए हैं क्योंकि यहाँ गले के ऊपर 1 इंच दिया जाता है और इसमें 2 से 2.5 इंच चेस्ट के हिसाब से इसकी दूरी रखी जाती है, यहाँ हम 2 इंच के दिए हैं। इस तरह से जो शेप दिए हैं फ्रेंड्स इस तरह से मिला लेनी है। ये देखिए इस तरह से इसको हम मिला लेंगे। इस तरह से देखिए ये हम निशान में लगा दिए हैं इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर देंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसकी कटिंग कर दिए हैं, ये देखिए कटिंग कर दिए हैं। कभी भी कटोरी ब्लाउज कटिंग करिए, ये जो निकला हुआ रहता है इससे जो निकलता है कपड़े से वो नहीं बनानी है, उस पर नहीं बनानी है चोली, अलग कपड़े पर रख के बनानी है। तो इसको अब हटा देंगे, इस तरह रखेंगे, ये देखिए इस तरह से रख देंगे, इसको रख देंगे फ्रेंड्स। अब इसमें हम चोली बनाएंगे तो इसके लिए हम इस तरह से रख देंगे। इस साइड भी 1 इंच लेनी है
और 1 इंच इस साइड लेनी है। इस यहाँ लेंगे, इस तरह से देखिए 1 इंच यहाँ लेंगे और 1 इंच हम यहाँ लेंगे। इस तरह से ले जाते हुए इसको देखिए मिला देंगे, जो 1 इंच इधर बढ़ाए हैं जो मिला देंगे। और ये जो गला है आपका, इस गले को छेड़ना नहीं है, एक जेड जिस तरह से है उस तरह से इसको निशान लगा देंगे। इस तरह देखिए इसको निशान लगा देंगे, गले के कुछ नहीं करना है। यहाँ सिलाई के लिए थोड़ा सा दे दीजिए और यहाँ तिरछा ले जाते हुए जो 1 इंच बढ़ाए हैं उसमें मिला दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कचपट्टी बॉटम पट्टी के लिए आगे के साइड हम दे रखे हैं, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा सिलाई के लिए लेते हुए इसको तिरछा हम इसमें जो 1 इंच बढ़ाए हैं इसमें मिला देंगे। इस तरह देखेंगे, इसकी दूरी और इसकी दूरी हम देख लेंगे। इस तरह से इसकी दूरी देख लेंगे, ये कितना हो रहा है, 7.5 इंच हो रहा है। तो इस तरह से इसको पहले इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टोटल हो रहा है 7.75 इंच। तो 7.75 इंच का आधा कर देंगे इस तरह से। ये देखिए 7.75 का आधा कर देंगे, इसमें एक लाइन खींच देंगे। इस तरह देखिए एक लाइन खींच देंगे और इसमें हम देंगे 1 इंच यहाँ भी बढ़ाएंगे। इस तरह से देखिए 1 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ जो 1 इंच बढ़ाए हैं और 1 इंच यहाँ बढ़ाए हैं इसको ले जाते हुए इसमें तिरछा इस तरह से मिला देंगे। ये मिला देंगे और ये मिला देंगे इस तरह से, इसको मिला देंगे फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए मिला देंगे। अब इसका कुछ काम नहीं है, इसको हटा देंगे। इसमें मेन चोली है। अब इसको हम देखिए 2.5 इंच का, इस तरह से 2.5 इंच का हम निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हम टक्स के लिए 2.5 इंच का निशान लगाए हैं और यहाँ जो 1 इंच बढ़ाए हैं, 1 इंच यहाँ बढ़ाए हैं वो यहाँ हम ले लेंगे। ये देखिए यहाँ ले लेंगे, इस तरह से यहाँ लेंगे और यहाँ लेंगे। ये देखिए ये ले लेंगे और इसको तिरछा ले जाते हुए इस तरह से देखिए बना देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जब इसको हम इस तरह से सिलेंगे तो ये हमारा कटोरी बढ़िया बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले इसकी कटिंग कर देंगे, फिर आगे आपको समझाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चोली बन के तैयार हो गया है। ये कपड़ा से निकला हुआ है। ये देखिए मेन पार्ट है, मेन चोली है जो ये है। ये देखिए कितनी ईजी मेथड से कटिंग हो गई है। हाँ फ्रेंड्स, जिस तरह से नॉर्मल ब्लाउज की बाजू की कटिंग होती है उस तरह से चोली कट का भी बाजू की कटिंग होता है। तो आप जिस तरह से सिंपल ब्लाउज की बाजू कटिंग करती हैं उस तरह से चोली कट का भी बाजू कटिंग कर लीजिए। ये देखिए पीछे का पल्ला है, ये देखिए आगे का पल्ला है। चोली कट बिल्कुल ईजी मेथड से कट जाती है। इस तरह से आप कटिंग करेंगे चोली कट की ब्लाउज, बिल्कुल आसान तरीका से आपकी कटिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें।